please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इलाहाबाद के नजदीक मेजा में, जहां पर गंगा नदी में नाव पलट गई। नाव पर करीब 24 लोग सवार थे। उत्कर्ष चतुर्वेदी ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और 6 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अब भी कई लोग लापता है। हादसा नाव में पानी भर जाने और क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने को बताया जा रहा है। रात में हुए इस हादसे की वजह से बचाव और राहत में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हादसे के काफी देर बाद स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा भी दिखा। हम लोग जब यहाँ पाए, 4 लोगों को लगभग बाहर निकाला और जो तैरना जानते थे तैर के बाहर आए। लगभग 3-4 लोगों की मरने की आशंका है। स्टेमर जो है हम लोगों के यहाँ सरकारी ठेके के मतलब अंतर्गत चलता है, वो खराब थी, उसको बनवाया नहीं। आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, लेकिन अभी कोई मरा नहीं था, लेकिन दुर्घटना आए दिन होती रहती है। मिर्जापुर से और इलाहाबाद के बीच में यहाँ पे कोई पक्का पुल नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा असुविधा होती है हम लोगों को। नाव पे आए दिन ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, कहीं इस घाट कहीं उस घाट। जो रेगुलर स्टीमर चलती थी वो शायद खराब हो गई थी, तो इधर के कुछ लोग उधर रुके हुए थे, तो इधर से नाव भेजी गई लाने के लिए, तो उस पर सवारी अधिक हो गई और मोटरसाइकिल और साइकिल अधिक हो गई। फिर रास्ते में बताया जा रहा है कि छेद हो गया नाव में और किसी लड़के का पैर पड़ जाने से, और उसी में पानी उलीचने को लेकर के डिसबैलेंस नाव हुई और पलट गई। अभी तक 4 लोगों को बताया जा रहा है कि नहीं मिले हैं, और बाकी लोग गाँव के लोगों द्वारा और कुछ लोग तैर कर निकला है, कुछ लोग गाँव लोगों द्वारा बचाए गए। और विस्तार से जानकारी उत्कर्ष चतुर्वेदी हम तक पहुंचा रहे हैं। उत्कर्ष, शुरुआती तौर पर जिस तरह से अगर देखें तो साफ तौर पर लापरवाही का मामला ये नजर आ रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल ही मानिए, लापरवाही का मामला नजर आ रहा है। काफी समय से सामने पर लोगों की मांग थी कि कोई पुल होना चाहिए, लोग नाव के जरिए ही नदी पार करते थे, लेकिन ऐसा कोई सुविधा उनको आज तक नहीं मिली है। और इसी कारण से जब देर रात को समय पर नाव कम चलती हैं, एक ही नाव में जबरदस्त ज्यादा लोग सवार हुए और उसके कारण ये हादसा हुआ। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई देरी नहीं होनी चाहिए या अंधेरे के कारण से बंद नहीं किया जाना चाहिए। उसके बावजूद अभी भी करीब चार लोग हैं जो बताए जा रहे हैं कि लापता हैं। अभी तक इस हादसे के बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया है। 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल शुक्रिया उत्कर्ष। ये हमले बॉर्डर से इतनी दूर आकर के जो हमले हो रहे हैं, खास करके साउथ कश्मीर के अंदर कुलगांव अनंतनाग, इन जगह सारी डिस्ट्रिक्ट में ये इनको पब्लिक सपोर्ट है, और पब्लिक सपोर्ट से ही ये इनको क्या होता है कि मदद मिलती है, और जब भी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी निकलती है तो उसके ऊपर फायर करते हैं। 2019 में दक्षिण भारत में अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, और यही वजह है कि केरल में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज दिल्ली में जनरक्षा यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी कार्यकर्ता कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से गोल मार्केट सीपीएम के दफ्तर तक मार्च निकालेंगे। इससे पहले अमित शाह ने केरल के कन्नूर से जनरक्षा यात्रा की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पेनियारी विजयन को बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उत्तर प्रदेश के संभल की गन्नौर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजीत कुमार उर्फ राजू यादव सार्वजनिक मंच से सरकारी अधिकारियों को धमकाते नजर आए। बीजेपी विधायक अजीत कुमार ने धमकी भरे अंदाज में ये कहा कि थानों में तैनात जो पुलिस कर्मी हैं, रिश्वत लेना छोड़ दें, क्योंकि अब उनके हाथ नहीं बंधे हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक ने वहां मौजूद अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि अगर वो लोग नहीं सुधरे तो मुर्गा बनाकर पैसा वसूल किया जाएगा। इसके अलावा अजीत कुमार खुलेआम बैंक कर्मियों को धमकाते नजर आए। 10 दिन का समय देता हूँ, दिमाग सुधार कर लो, और नहीं तो जितने लोगों से पैसा ले लिया है मुर्गा बना के वापस कराऊंगा सबका पैसा। यहाँ पर जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, लेखपालों की बड़ी शिकायत आ रही है कि किसानों को बहुत परेशान करते हैं। 15 दिन का, 1 महीने का समय देता हूँ लोगों के लिए कि अगर कोई शिकायत आ गई भ्रष्टाचार की, पैसे लेने की,
तो उसके खिलाफ FIR लिखवाऊंगा, बैठ के उसको जेल भिजवाऊंगा। इधर मुस्लिम महिलाओं के आईब्रोज बनवाने और बाल कटवाने के खिलाफ देवबंद दारुल उलूम के फतवे पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सख्त आपत्ति दर्ज की है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये कहना है कि शरीयत में मुस्लिम महिलाओं के लिए इस तरह की कोई पाबंदी नहीं। मुस्लिम धर्मगुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद को इस तरह का फतवा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एक मुस्लिम शख्स ने देवबंद के फतवा जारी करने वाले विभाग से पूछा था कि क्या मुस्लिम महिलाएं बाल कटवा सकती हैं, आईब्रो बनवा सकती हैं। उसके जवाब में मौलाना काजमी ने यह कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है। काजमी ने यह भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 10 पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें ये दोनों भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नाव पलटने से 4 लोग लापता, ग्रामीणों की मदद से 8 लोग बचाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले पैतृक गांव वडनगर में वाराणसी की तर्ज पर महाआरती की गई। केरल में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में दिल्ली में अमित शाह की जनरक्षा यात्रा आज। सोनिया राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का दावा, कांग्रेस अध्यक्ष या तो मां बनेगी या फिर बेटा। मध्य प्रदेश के संभल में सरकारी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक अजीत कुमार ने रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों को मुर्गा बनाने की धमकी दी। 10 दिन का समय देता हूँ, दिमाग सुधार कर लो और नहीं तो जितने लोगों से पैसा ले लिया है मुर्गा बना के वापस कराऊंगा सबका पैसा। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में टोकन मिल्क के दाम 2 रुपए बढ़ाए। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और गायक शंकर महादेवन ने MTV इंडिया म्यूजिक समिट का एंथम जारी किया। सच्चा सुर लगाए चल कुछ सोए साज जग। बड़ी खबर जनक दबे इस वक्त गुजरात से पहुंचा रहे हैं हम तक। पीएम मोदी आज गुजरात दौरे के दूसरे दिन वडनगर जाएंगे। वडनगर प्रधानमंत्री मोदी का गांव है, पैतृक घर है। पीएम मोदी से आने से पहले गांव में महाआरती की गई। यहां इस गांव में वडनगर दौरे के दौरान पीएम मोदी हेलीपैड से हाटकेश्वर मंदिर तक रोड शो करेंगे, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वडनगर में भी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद पीएम मोदी भरूच के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो अपने गांव वडनगर भी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी अपने गांव जा रहे हैं, इसीलिए गांव में उनके स्वागत की खास तैयारी की गई है, जिससे गांव का नजारा अद्भुत हो गया है। समृद्धि ना छाटना ये वडनगर है, गुजरात का वो गांव जिसमें पले बढ़े देश के प्रधानमंत्री। वडनगर की इन्हीं गलियों से निकला एक आम इंसान अब देश और दुनिया का शोमैन बन चुका है। बरसों बाद लौट रहे अपने बेटे, अपने नरेंद्र भाई के स्वागत में वडनगर बाहें पसारे खड़ा है। दिन में फूलों की महक में डूबा, जैसे मोदी के स्वागत में इत्र फरोश बन बैठा हो वडनगर। महालक्ष्मी और रात को वडनगर रोशनियों का एक गांव, रोशन नगर। दिन में वडनगर की इमारतों और पेड़ों से लटके फूल झूल रहे हैं, तो रात में वडनगर की रोशनियों का लयबद्ध नाच हो रहा है।
और नगर में रोशनियों का मेला लगा है। कुछ इमारतों को जगमग करती तो कुछ सड़कों को रोशन करती, कुछ तालाब के पानी में तैरती और कुछ वडनगर की ऐतिहासिक इमारतों पर नाचती रोशनी। ये नरेंद्र भाई मोदी के लिए सजा धजा एक गांव है। द्वार तोरण सजे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जीएसटी में बदलाव के बाद देश में 15 दिन पहले ही दिवाली आ गई है। अब 3 साल हो गए हैं, लेकिन असली दिवाली नरेंद्र मोदी के गांव में आई है। गांव की महिलाएं मोदी के स्वागत में देहली पर दीप जला रही हैं, तो गांव के लोग रोशनी के मेले का मजा उठा रहे हैं। द्वारकाधीश का आशीष पाने पहुंचे नरेंद्र मोदी महीने में तीसरी बार गुजरात के दौरे पर है। वो 2 दिन गुजरात में गुजारेंगे। उनका पहला दिन कई योजनाओं के शिलान्यास में बीत चुका है और दूसरा दिन इसी सजे धजे गांव वडनगर में बीतने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का इस बार का दौरा खास इसलिए है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार अपने पैतृक गांव वडनगर आ रहे हैं। 2011 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब यहां आए थे। उसके बाद 8 अक्टूबर को यहां आएंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हेलीपैड से सभा स्थल तक आकर्षक स्वागत द्वार बनाया गया है। हाईवे को सजाया गया है। सड़क से साफ सफाई सब काम तेजी से चल रहा है। जैसे ही आप वडनगर में प्रवेश करते हैं आपको प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा दिखाई देती है। मोदी की वडनगर से वाराणसी तक के सफर को दिखाने के लिए 1 किलोमीटर लंबी फोटो गैलरी बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी सड़क से गुजरेगा और इस सड़क को किस तरीके से सजाया गया आप देख सकते हैं। साथ ही में बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े होंगे। आगे अगर पूरी सड़क को देखें तो पूरी सड़क को अलग अलग थीम के आधार पर सजाया गया है। ये है एक ऐतिहासिक विरासत और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। वडनगर जाने वाली हर सड़क चमचमा रही है। वडनगर को कई थीम के आधार पर सजाया गया है। इसमें सबसे मुख्य है चाय की केतलियां। नरेंद्र मोदी की पहचान एक चाय वाले के रूप में रही है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने चाय पर चर्चा कार्यक्रम किया। अब वडनगर में पूरा शहर चाय की थीम पर सजा हुआ है। चाय की केतली में हम दररोज इसके साथ आते थे, उन्होंने पिताजी को हम मदद करते थे, खुद नरेंद्र भाई चाय बनाते थे और बेचते थे। क्या यही जगह है जहाँ पर वो चाय बनाते और बेचते थे? वही केबिन है, वही केबिन पे उन्होंने पिताजी बैठते थे। जगह जगह चाय बेचने वाले खड़े हैं और शहर की इमारतों और मुख्य सड़क के पास बड़े बड़े पेड़ों को चाय की केतलियों और कपों से सजाया गया है। नरेंद्र मोदी का आना वडनगर के लिए एक उत्सव है और फिलहाल पूरा शहर इसी उत्सव में डूबा हुआ है। इस उत्सव की कई बड़ी तैयारियां और भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर के रेलवे स्टेशन पर भी जाएंगे। इसी रेलवे स्टेशन पर वो बचपन में चाय बेचा करते थे। उनकी चाय की दुकान को बड़े करीने से सजाया गया है और उनके तमाम दोस्त उनसे मिलने की तैयारी में लगे हैं। वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि और कर्मभूमि। इसी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन बीता है। आज भारत की राजनीति के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो वडनगर के लिए गर्व की बात है। पूरा गांव नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुटा है। सजा धजा गांव प्रधानमंत्री के इंतजार में खड़ा है। सबसे ज्यादा चमक रहा है वडनगर रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन से नरेंद्र मोदी का खास नाता है और इसीलिए प्रधानमंत्री सीधे रेलवे स्टेशन पर आएंगे। तस्वीरें बता रही हैं कि रेलवे स्टेशन कैसे बदल गया है। टूटे फूटे जर्जर वडनगर स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया है। अब वडनगर का रेलवे स्टेशन एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन चुका है। तमाम सुविधाओं से सजा राजमहल जैसी इमारत वाला स्टेशन, लेकिन कुछ यादें जो प्रधानमंत्री से जुड़ी हैं, वो वैसी की वैसी ही रखी गई हैं। खासकर वो चाय की दुकान जहां प्रधानमंत्री चाय बेचा करते थे।
यहाँ आने वाले लोगों को पीएम के बचपन और चाय की दुकान का रिश्ता समझाने के लिए एक छोटी सी चित्र प्रदर्शनी भी रखी गई है। प्लेबोर्ड जो बताए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी की चाय की दुकान और यहीं पे बाल नरेंद्र चाय बेचा करते थे। वो तस्वीर आप पूरी तरह से देख ले, वही ये पुरानी जो चाय की दुकान है उसको वहाँ पर दिखा गया है। साथ ही में जो पूरी जो उनके सफ़र है चाय बेचने तक का जो सफ़र है उसको यहाँ प्लेबोर्ड के जरिए दिखाया गया। रेलवे स्टेशन के बाद प्रधानमंत्री हाटकेश्वर मंदिर जाएंगे। बीच बीच में सड़कों पर रोड शो होगा जहां लोगों के खड़े होने के इंतजाम भी किए गए। पीएम मोदी छोटे थे तब इसी मंदिर में पूजा किया करते थे। जब पीएम यहां पहुंचेंगे तो मंदिर में खास पूजा और आरती की जाएगी। मंदिर प्रधानमंत्री के स्वागत में पूरी तरह सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कई दिन से वडनगर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कीर्ति तोरण, शर्मिष्ठा तालाब, हाटकेश्वर मंदिर, ऐतिहासिक दरवाजों से लेकर स्टेट सर्कलों को सजाया गया है। मोदी के स्वागत में चाय पर चर्चाएं की जा रही हैं, जिसमें बीजेपी विधायक, सरकार के मंत्री और वडनगर निवासियों के साथ साथ सैलानियों को भी शामिल किया जा रहा है। भगवान कृष्ण के लिए जिस गोकुल को प्रेम था, वही प्रेम, वही अनुभूति जो अलौकिक है, जो शब्द में हम वर्णन नहीं कर सकते, वही भाव के साथ पूरा गांव सजाया। दिवाली यहाँ पर एडवांस में 15 दिन पहले आ गई है। प्रधानमंत्री के वडनगर दौरे के लिए गांव में अलग अलग तरह की झांकियां लगाई गई हैं। लाइट शो के जरिए प्रधानमंत्री की पूरी जीवन यात्रा और उनके प्रधानमंत्री काल में लागू की गई योजनाओं को भी दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री 8 अक्टूबर को वडनगर पहुंचेंगे। वो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। करीब 650 बेड का ये अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। प्रधानमंत्री अस्पताल के लेक्चर हॉल और एनाटॉमी म्यूजियम का भी दौरा करेंगे। वडनगर में माननीय वड़ा प्रधान श्री 8 अक्टूबर को GMERS मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के लिए यहां पधारने वाले हैं। इस अवसर पर पूरा वडनगर और पूरा उत्तर गुजरात वड़ा प्रधान श्री को यहां वेलकम करने के लिए बहुत ही उत्साह में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में हुआ था। आज भी पीएम के कुछ साथी उन दिनों को याद कर मोदी के साथ गुजारी कई घटनाओं का जिक्र करना नहीं भूलते। पूरा वडनगर उत्साह में डूबा दिख रहा है। तो वाघा बॉर्डर का ओपनिंग था, तो उसी टाइम पर मैं अपनी स्कूल में कंप्यूटर लैब का ओपनिंग करने का प्रोग्राम बनाया था, तो मोदी जी को मैंने इन्विटेशन दिया कि आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे धर्म संकट में डाल दिया है, तो मैंने बोल दिया कि सारथी बन के आ जाओ। प्रधानमंत्री के वडनगर आने के मौके पर उनके बड़े भाई सोमा भाई मोदी भी कई दिन से वडनगर में ही हैं। न्यूज 18 इंडिया से सोमा भाई ने खास बातचीत की। नरेंद्र भी तो अपने हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए, उनको देखने के सुनने के लिए सब लोग लालायित है, और इसी वजह से वो लोग इतना आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री का वाराणसी से खास रिश्ता है। इसी रिश्ते को ध्यान में रखते हुए वडनगर में भी वाराणसी जैसा माहौल बनाया जाएगा। ये वडनगर का शर्मिष्ठा तालाब है। शर्मिष्ठा वही तालाब है जिससे मोदी के मगरमच्छ पकड़ने की कहानी जुड़ी हुई है। मोदी के स्वागत में ये तालाब सज धज कर तैयार है। प्रधानमंत्री का ये दौरा चुनावी मिशन का आगाज है। प्रधानमंत्री ने दौरे के पहले दिन द्वारकाधीश मंदिर में पूजा की और इसके बाद कई जगहों पर गए। मोदी ने कहा कि गुजरात में वो ब्लू इकोनॉमी लाने के लिए बड़े कदम उठाने वाले हैं। गुजरात, प्रधानमंत्री की राजनीतिक यात्रा यहीं से शुरू हुई। पहली बार सत्ता की राजनीति उन्होंने यहीं से सीखी। गांधीनगर से गुजरात चलाते चलाते वो दिल्ली पहुंचे और गुजरात की सत्ता उत्तराधिकारी को सौंपकर दिल्ली से देश चलाने लगे। अब एक बार फिर नरेंद्र मोदी गुजरात की कुर्सी पर बीजेपी को बिठाने के अभियान पर निकल पड़े।
गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ने द्वारकाधीश का आशीष प्राप्त करने के लिए पूजा की। गुजरात प्रधानमंत्री की राजनीतिक साख और लोकप्रियता से जुड़ा है, इसीलिए यहां जीत दर्ज करना अहम है। गुजरात के पाटीदार आरक्षण को लेकर और दलित ऊना में हुई मारपीट की घटना को लेकर इस बार बीजेपी से नाराज बताए जाते हैं। मैंने आज देश भर के अखबार देखे, उसमें हेडलाइन है कि दिवाली 15 दिन पहले आ गई, माछी मार भाई बहन हमारे इकट्ठे हो जाए, सरकार उनको लोन देगी। प्रधानमंत्री गुजरात जीतो मिशन पर निकले हुए हैं। द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेकर उन्होंने मिशन गुजरात छेड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले पैतृक गांव वडनगर में वाराणसी की तर्ज पर महाआरती की गई। केरल में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में दिल्ली में अमित शाह की जन रक्षा यात्रा आज। सोनिया राहुल पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का दावा, कांग्रेस अध्यक्ष या तो मां बनेगी या फिर बेटा। तो लगता है कि दो ही लोग कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हैं, एक मां एक बेटा। यूपी के संभल में सरकारी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक अजीत कुमार ने रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों को मुर्गा बनाने की धमकी दी। समय देता हूँ, दिमाग सुधार कर लो और नहीं तो जितने लोगों से पैसा ले लिया है मुर्गा बना के वापस कराऊंगा सबका। यूपी के इलाहाबाद में नाव पलटने से 4 लोग लापता, ग्रामीणों की मदद से 8 बचाए गए। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में टोकन मिल्क के दाम 2 रुपए बढ़ाए। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और गायक शंकर महादेवन ने एमटीवी इंडिया म्यूजिक समिट का एंथम जारी किया। T20 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई।